गुड आफ्टरनून टू ऑल माई टूनसल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स ने बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि मैम सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स के बारे में एक वीडियो बनाइए। ओके, तो गाइस ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट किए थे। ओके, तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनकी आत्मा यानी उनकी सोल एक ही है। ओके, पर उनका जो बॉडी है, उनका जो फिजिकल बॉडी है, ये अलग अलग है। ओके, तो एक कंप्लीट सोल में दो तरह की एनर्जी होता है, राइट। वन इज योर मैस्कुलिन एनर्जी एंड द अदर वन इज योर फेमिनिन एनर्जी। ओके, तो इसमें से जो भी एनर्जी जिस भी बॉडी में इनकनेक्ट कर दिया जाता है उसमें वही कैरेक्टर्स डेवलप होता है। ओके, सपोज एक मेल बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी को इनकनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं। एंड ठीक उसी तरह अगर एक फीमेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी को इनकनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है, ठीक है। एंड इन ट्विन फ्लेम्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड वीडियोस आपको यूट्यूब में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ओके, बट सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो गाइज जैसे ही मैंने बोला कि एक कंप्लीट सोल में दो तरह की एनर्जी होता है, राइट। तो अगर उस सोल की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसे एक मेल बॉडी में इनकनेक्ट कर दिया जाता है तो उस मेल में मेल कैरेक्टर्स डेवलप होता है, ठीक है। बट उस सोल की जो फेमिनिन एनर्जी है उसे भी अगर एक मेल बॉडी में इनकनेक्ट कर दिया जाता है तो वो जो मेल है उसकी फिजिकल बॉडी तो मेल जैसा दिखने लगेगा बट उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसकी जो बिहेवियर है, ये सब फीमेल जैसा होगा, ठीक है। एंड ये जो मेल है ये सिर्फ मेल के ओर अट्रैक्टेड होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फेमिनिन का एनर्जी है। ओके, एंड आप लोगों ने तो इस तरह की रिलेशनशिप देखे होंगे कि कुछ मेल्स सिर्फ मेल्स के ओर अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, एंड इनको सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। ओके, एंड सेम केसेस फीमेल्स में भी होता है। ओके, मतलब अगर एक मैस्कुलिन एनर्जी को एक फीमेल बॉडी में इनकनेक्ट कर दिया जाता है तो ये जो फीमेल है इसकी फिजिकल बॉडी तो फीमेल जैसा दिखने लगेगा बट इसकी जो एक्टिविटीज़ है, इसकी जो बिहेवियर है, ये सब मेल की तरह होगा, ठीक है। एंड ये जो फीमेल्स है ना, ये सिर्फ फीमेल्स के ओर अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैस्कुलिन की एनर्जी है। ओके, एंड इनको भी सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, ठीक है, जो फीमेल्स सिर्फ फीमेल्स के ओर अट्रैक्टेड होते हैं। ओके, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बॉडी पर दो तरह की एनर्जी को इनकनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक ही बॉडी पर, ये बॉडी मेल्स का भी हो सकता है या फिर फीमेल्स का भी हो सकता है, बट उस बॉडी पर दोनों मेल्स एंड फीमेल्स का ऑर्गन्स आपको देखने मिलता है, ठीक है, दोनों मेल एंड फीमेल्स का कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलता है। ओके, एंड इन्हें ट्रांस वूमेन या फिर सीमेल या फिर ट्रांसजेंडर कहते हैं। ओके, सो गाइस आई होप आप लोगों का आपका आंसर मिल गया होगा कि सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स किसे कहते हैं। ओके, एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।